एक बार फिर यूपी के गाजियाबाद से हिजाब का मामला सामने आया है। दरअसल हिजाब पहनी हुई कॉलेज की छात्राएं जब अपनी कुछ समस्याओं को लेकर प्रिंसिपल कार्यालय पहुंची तो छात्राओं से कॉलेज के प्रिंसिपल ने बात करने से मना कर दिया और ऑफिस से बाहर जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद छात्राएं सड़कों पर आ गईं और प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें, मोदी नगर गिन्नी देवी डिग्री कॉलेज में आज छात्राओं ने उस समय हंगामा कर दिया जब वह अपनी समस्याएं लेकर प्रिंसिपल कार्यालय में गईं। प्रिंसिपल छात्राओं को हिजाब में देखकर नाराज हो गईं और उन्हें कमरे से बाहर निकालने के लिए कह दिया, जिसके बाद काफ़ी देर छात्राओं ने कमरे के बाहर इंतजार किया। प्रिंसिपल के बाहर न आने पर छात्राओं ने बाहर सड़क पर निकलकर नारेबाजी शुरू कर दी। छात्राओं के सड़क पर खड़े होकर नारेबाजी करने से कुछ देर के लिए वहां जाम जैसी स्थिति भी बन गई थी, जिसके बाद पास में मौजूद पुलिसकर्मियों ने वहां पहुंचकर उन्हें समझाने की कोशिश की और वापस कॉलेज में बातचीत के लिए ले गए, जिसके बाद प्रिंसिपल ने कहा ये बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं थे इसलिए इनको बाहर निकलने के लिए कहा, जबकि छात्राओं का आरोप है कि कुछ ही छात्राएं यूनिफॉर्म में नहीं थीं, बाकी अन्य छात्राएं यूनिफॉर्म में थीं, जिस वजह से प्रिंसिपल ने उन्हें बाहर निकाला। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है कि कुछ छात्राएं यूनिफॉर्म में नहीं थीं, उनको बाहर निकलने के लिए कहा गया, यदि उन्होंने बाहर कुछ हंगामा या शोर शराबा किया है तो इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। आपको बता दें, इस मोदी नगर में स्थित गिन्नी देवी मोदी गर्ल्स पीजी कॉलेज में सोमवार 2 मई को छात्राओं को टैबलेट बांटे गए। इनमें से कॉलेज की कुछ छात्राओं का आरोप है कि हिजाब पहनकर आने की वजह से उन्हें मंच पर बुलाकर टैबलेट नहीं दिए गए। वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना था कि हिजाब का कुछ भी मामला नहीं है, ये छात्राएं ड्रेस कोड का पालन नहीं कर रही थी इसलिए इन्हें टैबलेट देने से रोका गया है। क्या प्रिंसिपल ने इन छात्राओं के साथ सही बर्ताव किया? क्या प्रिंसिपल अन्य समुदाय की छात्राओं पर भी ऐसी पाबंदियां लगाएंगे जिसमें धार्मिक प्रतीकों का दिखावा हो? आप भी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता आवाज, दिल्ली।